साफ काटना रहे ओकरो बाद ओकरो मम्मी लगले धर पोकरे ल हम बाहर दूसरे जगह गेल दूसरे जगह एलिए छे एलिए तो वहाँ तक कल के हमरे बात नहीं मनलके देखे लोग झाड़ फूक करवा टोटो पर सौ तारीख लिखे लोग वहाँ झाड़ फूक करा के घर में रख के फिर रात हम के बोले फिर देखे जे बोला लोग प्राइवेट चले वहाँ से आ गए तो बोला सरकारी लेके सरकारी लेके आए अभी ठीक है। एक्चुअली जो सांप का हैबिटेट होता है वो मिट्टी के अंदर बिल के अंदर रहता है वो, और या तो पानी जब लॉस हो रहा होता है तो उस कंडीशन में सांप अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाहर निकलता है। वैसे में सर्पदंश के केसेस अभी कुरसैला में काफ़ी आ रहे हैं, और चूंकि अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बाढ़ग्रस्त था इलाका, अब कम हो रहा है पानी। और हमारे पास जो एक्स्ट्रा चैलेंजिंग केस आते हैं वो सारे केस झाड़ फूक तांत्रिक के चक्कर में खराब होकर आते हैं। जैसे अभी दो घंटे पहले एक केस आया हमारे पास सर्पदंश, कल शाम में 7 बजे के आसपास हुआ और हमारे पास 9 बजे पहुंच रहा है। तो इसमें तो वेनम है कि वो बहुत कम मात्रा में गया हो बॉडी में, डिले सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा था वो, रात में काटा सुबह आया, सुबह आया 14 घंटे के बाद अस्पताल पहुंच रहा है। हमारे सभी सरकारी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम मौजूद है, बावजूद इसके लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वो लोग हॉस्पिटल देरी से पहुंचते हैं, जिसकी वजह से जान माल का खतरा बन जाता है। तो मैं पहले तो सबसे पहले मैं अपील लोगों से करना चाहूँगा, एक जागरूकता सबके अंदर जो जान रहे हैं कि क्या करना है सांप काटने के बाद, सबसे पहला काम क्या करना है, तो अपनी वो अवेयरनेस को दूसरों के साथ बांटें। और हमारे और पत्रकार बंधुओं के स्वाधीन से ये जो जागरूकता एक अभियान चला रहे हैं वो, कि लोगों को क्या करना है सांप काटने के बाद, तो मैं अभी विस्तार पूर्वक 4-5 स्टेप में बता रहा हूँ। सबसे पहले जो जिस जगह पर सर्पदंश हुआ है, स्नेक बाइट किया है, उस साइड को सोप वाटर से अच्छे से धोए, उसको ढक दे। और ज़्यादातर केसेस मैं देखता हूँ कि उसको टूर्निकेट बांध दिया जाता है 2-3 जगह पे। तो टूर्निकेट बांधने के बाद क्या होता है कि हमारे खून की प्रवाह को आप रोक देते हैं, तो उसका भी एक लिमिटेड टाइम है। आप ऐसा नहीं कि 2-4-5 घंटे आप टूर्निकेट लगा के आप छोड़ सकते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ब्लड सप्लाई सीज हो जाएगी, फिर वो नेक्रोसिस हो जाएगा लिम में। तो टूर्निकेटिंग नहीं करनी है। सबसे पहला काम जो करना है आपको, निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं और सबसे कम समय में पहुँच सकते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पहुँचना है। और वहाँ पे हमेशा 24 घंटे हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे चिकित्सक मौजूद रहते हैं, और आप के ऊपर जो जान का खतरा बना पड़ा है वो कम से कम आप उससे मुक्त हो जाएंगे।